मंदसौर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया के साथ क्षेत्र में भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह लोग यशपाल सिंह सिसोदिया का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए यशपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे, उसने जो कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते का दावा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कसते हुए यशपाल सिंह ने कहा कि वचन देना आसान है, उसे निभाना मुश्किल होता है। जनसंपर्क के दौरान मिल रहे समर्थन को देख मंदसौर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया काफी खुश हैं। लोग जगह जगह भाजपा प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि चुनाव में हमारा एजेंडा सिर्फ विकास है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नकल करती है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि उसने जो कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कसते हुए यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि वचन देना आसान है, उसे निभाना मुश्किल होता है। वो वचन पत्र में 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं और हमने 1250 रुपए देना शुरू कर दिया और हमारी तो नकल करती है कांग्रेस। हम कांग्रेस से ये भी पूछना चाहते हैं कि आपके वचन पत्रों में से 2018 के चुनाव के जो वचन पत्र थे उनका क्या हुआ? किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ़ क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता क्यों नहीं दिया? आपने समूह माफ़ करने की बात करी थी वो क्यों नहीं हुआ? तमाम प्रकार की योजनाओं को लेने के लिए जो लॉलीपॉप दिया गया था, और इस बार भी कांग्रेस को खुद को ही पता नहीं है कि उनका एजेंडा क्या है, वो किस कैसे वर्कआउट करेंगे। वचन पत्र लिखना आसान है, वचन को निभाना बहुत मुश्किल। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी। हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।